चार शब्द है, गरीब, विकास, किसान और रोजगार। ये चार शब्द आप नेताओं की चुनावी रैलियों में आप हरदम सुनते रहते हैं और चार दिन की चुनावी चांदनी के बाद ये चार शब्द भी नेताओं की सरकारी कागजों में से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन एक शब्द है मजदूर, या फिर आम भाषा में आप उसको दिहाड़ी वाला मजदूर भी बोल सकते हो। इन लोगों को क्या होता है कि उसी दिन काम मिलता है, उसी दिन पगार मिलती है और वो पगार ही ये फैसला करती है कि आज शाम को उनके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं। लेकिन सरकार की ओर से इनके लिए कोई प्रभावी योजना नहीं है जो सिर्फ उनके हितों के लिए काम करती है, जबकि ये भी देश के विकास में उतना ही योगदान देते हैं जितना कि अपने देश का किसान देता है। और फिर समस्याओं की फहरिस्त इनकी भी काफ़ी लंबी है। राजधानी जयपुर के टोंक फाटक पर हर सुबह तकरीबन 400 मजदूर इस उम्मीद से आकर खड़े हो जाते हैं कि आज कोई मालिक या ठेकेदार आएगा और पूरे दिन उनको काम करवाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन यह मुश्किल ये है कि यहाँ पर पूरी मजदूरों की संख्या में से आधे से कम मजदूरों को ही काम मिल पाता है और आधे बचे हुए मजदूर काम के लिए पूरे दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और अगर किसी मजदूर को काम मिल भी गया तो वो मालिक या ठेकेदार काम के दौरान उससे बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, तय समय से ज़्यादा काम करवा कर भी आधे पैसे देकर भगा देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि काम करने के दौरान अगर मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। तो अब ऐसे में इन मजदूरों की मांग ये है कि इनके लिए एक मजदूर यूनियन बनाया जाए। अब मजदूर यूनियन बनाने की मांग क्यों उठ रही है और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो मजदूर यूनियन बनाने से ख़त्म हो सकती है, ये तो हम आपको इन मजदूरों के मुंह से सुनाएंगे। लेकिन हमारा सीधा सा सवाल सरकार से ये है कि राजस्थान का इतना बड़ा मजदूर वर्ग भी राजनीतिक गलियारों से अब तक क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों दशकों बाद भी इतना बड़ा मजदूर वर्ग नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे को 10 दिन में 2 दिन काम लगा है, 10 दिन में 2 दिन काम लगा है, 2 दिन के अंदर कुछ गुजारा हो सकता है क्या ये गृहस्थी का ही? तो ये ऐसा हाल चल रहा है बस। हाँ, मजदूर यूनियन बननी चाहिए। कई लोग तो 400 में बिक जाते हैं, कोई 500 में जाता है, कोई 700 में जाता है, तो कोई ये टोंक फाटी का कोई थड़ नहीं है बिल्कुल। और बेरोजगारी फैल रही है और क्या, धंधा पानी है नहीं, अब क्या करें लोग, आधा फिर क्या करते हैं, मूड खराब हो जाता है, लोग लगा लेते पीते हैं और करते क्या, माथापोड़ी करते हैं। कोई कम पैसे में, जैसे मान लो कि वो कम पैसे में काम करने जाते हैं भाई, जो कम से कम आज के युग के हिसाब से मजदूरी कितनी होनी चाहिए वो हिसाब से तो मिलनी चाहिए। परेशानी तो ये है, जैसे मालिक के गए शाम को 5 बजकर, नहीं नहीं अभी काम और करेगा, 5:30 करेगा, 5:30 कराऊंगा। मजदूर भी हमारे क्या संगठन नहीं है, मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो, ऐसी जब यूनियन बढ़ जाएगी लाइन से, जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, उसमें देखा एक आदमी बैठा है मजदूर, तो मालिक उसके पास जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ का आदमी क्या करते, एक आदमी आता है 50 आदमी आते हैं, मेरे काम चाहिए, मेरे काम चाहिए, हर आदमी चिल्लाता है मेरे काम चाहिए, ऐसा नहीं होगा यूनियन होगी तो। भाऊ जी, 38 साल से ये टोंक फाटक चौकी पे यहाँ का बेलदार हूँ, 38 साल से, ठीक है, 53 साल की उम्र है मेरी, है किसने कुछ सुना नहीं की असंद्रा बसंद्रा मोदी जी, सुनो यहाँ तक मेरी बात पहुँचनी है, फोटो पहुँचना चाहिए, गरीब के क्या कर रहे हो साथ। कई बार ये भी हो जाता है, यहाँ से 600 में करके ले जाते हैं, फिर वो वहाँ 400 रुपए पकड़ा देते हैं, ठीक है, और भाग जाओ, कोई काम नहीं होता है तुम्हारे से। ये है, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मुझे भूख लग रही है, मैं आपसे 5 रुपए मांग रहा हूँ कि मेरे को नाश्ता करना है, आप क्या करेंगे उस टाइम, आप मुझे गाली देंगे या मना करेंगे? आप यही कहोगे, आपके पास नहीं होंगे तो कि भैया मेरे पास 5 रुपए नहीं है, यही कहोगे ना, तो मेरी भी आत्मा को शांति संतुष्टि मिलेगी। गाड़ी कहोगे तो मेरा क्या होगा, मेरा दिल और टूट जाएगा। सारे अब यहाँ क्या, कोई काम लेने के लिए आता है तो सारी पब्लिक टूट बैठती है, आपस में मजदूर लोग लड़ते हैं, ये झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। देखो, काम मिलना चाहिए इधर, कम से कम 1000-1500 आदमी है यहाँ पे बेरोजगार, 1000-2000 आदमी है शायद, लेकिन उनको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, आदमी भूखे मर रहे हैं, क्या करेगा। मैं नाम 4 दिन काम करते हैं और जहाँ पे काम पे जाते हैं वहाँ पे मालिक लोग से 4 दिन काम करवा लेते हैं, दे दखा के और निकाल देते हैं, सारे पैसे नहीं देते। ये मोदी के राज में ऐसा ही होगा, क्या होगा ये बताइए आप। अगर मजदूरी नहीं करें
किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं हम, तो हमारे लिए 12 घंटे के 10,000 रुपये देते हैं, और खुली मजदूरी में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमें 500 रुपये मिलता है। तो आप सपोज करिए कि 10,000 रुपये 30 दिन के होते हैं, तो एक दिन की जो मजदूरी है वो खुली मजदूरी 500 रुपये 8 घंटे की होती है, और कंपनी वाले 12 घंटे में 300 रुपये देते हैं हमें। तो हमारे तो दोनों तरह से मुश्किल है, खुली मजदूरी लगती नहीं और कंपनी में जाते हैं तो 1.5 गुनी काम करना पड़ता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मतलब मजदूर लोगों की भुखमरी मिट सके, बेरोजगारी मिट सके। मेरा नाम दिलीप है, दिलीप चारण, मैं बीकानेर से हूँ। यहाँ पिछले 1.5 साल से यहीं रह रहा हूँ, और टोंक फाटक आते लगभग मेरे को 8 महीने हो गए हैं लगभग। तो 8 महीने से मैं देख रहा हूँ ये अंकल लोग यहीं खड़े रहते हैं ज़्यादातर। और इसमें क्या है कि कई मतलब ठेकेदार लोग आते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लेके, फिर उनमें से 4-5 जो मजबूत वगैरह जैसे मजदूर दिखते हैं उनको तो बिठा लेते हैं, फिर कई भाई यहीं वैसे ही रह जाते हैं। उन साथ कई बार मैंने बदसलूक के होके भी देखे, कोई मजदूरी के लिए तो सब हाथ पैर मारते हैं, भाई साहब मेरे को ले चलो मेरे को ले चलो। फिर कई बार तो ऐसे देखे शिफ्ट वगैरह ऐसे जो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं उनको धक्का दे के बाहर भी निकाला जाता है। और मतलब इनमें से जोर मार के लगभग 10-15-20 जने से ऊपर नहीं जा पाते मजदूरी पे, और फिर यहीं बैठे रहते हैं ये लोग। मजदूर यूनियन तो जरूरी है, संगठन में ही शक्ति है। एक लकड़ी को हर आदमी तोड़ देता है, गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। यूनियन से ये फायदा हमें, एक तो हमारा जीवन बीमा होना चाहिए यूनियन से, जो हमारे ये मालिक होते हैं सेठ होते हैं पैसा खा जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। अगर यूनियन होगी तो हमारे क्या है? अगर एक आदमी का मजदूर का पैसा खाएगा तो हम कार्य करने वाला उसको जाएंगे पैसे क्यों नहीं दे रहे भाई, वो नहीं देगा फिर हम कोर्ट में जाएंगे, जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें जाएंगे, केस लड़ेंगे, उनका हमारा ये फंड होगा मजदूरों से हम चंदा उगाएंगे कि हमें भाई 100 रुपया मजदूर हमें जमा करा हर महीना का, या हम आपका बीमा कराएंगे गवर्नमेंट 100 हम डालेंगे, कार्य करने वाले 100 जो काम करेंगे वो डालेगा। जैसे मजदूर की 500 रुपये रेट होनी चाहिए और मिस्त्री की 700 रुपये उनकी रेट हमेशा रहनी चाहिए, इसमें से कमती बत्ती नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यूनियन बननी चाहिए यहाँ पर। यूनियन के बारे में ये मांग है हमारी साहब, महीना में कम से कम नहीं तो 25 दिन एक महीने के अंदर होना चाहिए, 2-5 दिन की चलो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, एक बात तो यह है। और यूनियन में जो भी मजदूर अगर यहाँ काम करने के लिए आएगा तो अपना नाम पता एड्रेस लिखवाएगा यूनियन लीडर के लिए, फिर सीरियलिटी के हिसाब से यूनियन लीडर ही स्थापित करेगा काम करने वालों के लिए। जैसे मान लो यूनियन बनने से हमारे को कई फायदे हैं, जैसे मान लो किसी के पास मजदूर पड़ गया, पैड़े से पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो उसका भी कुछ भी मर गया कुछ भी कोई क्लेम नहीं देता है, वो बग जाते हैं। अगर कार्ड होता है तो उसको हम पकड़ लेते हैं, ठेकेदार हो चाहे कोई भी हो, तो यूनियन से हमारे को बहुत फायदा है। इसके लिए एक तो कार्ड होना चाहिए, जो भी ठेकेदार के पास करो या कोई बिल्डर के पास, एक तो उनका कार्ड भी जरूरी है, हमारे पास क्या साबुत रहेगी, उनके मोबाइल नंबर होना चाहिए,